भारत में बादल फटने की घटनाओं के पीछे विदेशी ताकतों की साजिश है। अतीत में उन्होंने लेह लद्दाख और उत्तराखंड में यही किया था। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव के इस बयान पर भारत में नई बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया में कुछ लोग उनके बयान का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे गंभीर मानकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम मजाक से हटकर चर्चा पर आते हैं और रेफरेंस जानते हैं। 2008 में चीन ने बीजिंग ओलंपिक के दौरान मैचों में बारिश के खलल से बचने के लिए बारिश से एक दिन पहले ही आर्टिफिशियल बारिश करवा दी थी। वहीं वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने क्लाउड सीडिंग के जरिए अपनी मर्जी से बारिश कराते हुए दुश्मन सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया था। तो चलिए भास्कर एक्सप्लेनर में जानते हैं कि आर्टिफिशियल बारिश करवाना कितना संभव है और भारत में बादल फटने की घटनाओं को लेकर चीन पर सवाल क्यों उठ रहा है। देश में इस समय तेलंगाना बाढ़ से प्रभावित है। हाल ही में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव राज्य के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित भद्राचलम के दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया था। अब भारत में आई बाढ़ और चीन के बीच रिलेशन की बात करें तो 1970 से 2016 तक यानी 46 सालों में देश में बादल फटने की 30 से ज्यादा घटनाएं हुई। ये सभी घटनाएं हिमाचल के क्षेत्रों में हुई, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं भारत चीन के बॉर्डर वाले इलाकों में होती हैं, ऐसे में इसके पीछे चीन की साजिश होने की आशंका जताई जा रही है। आप बोलेंगे कि इस संदेह के पीछे सच क्या है, तो उसका जवाब है आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन कराने की टेक्निक को क्लाउड सीडिंग या वेदर कंट्रोल टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके जरिए जब चाहे तब या समय से पहले बारिश कराई जा सकती है। आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे केमिकल्स को रॉकेट या हवाई जहाज के जरिए बादलों में छोड़ा जाता है। ये पार्टिकल हवा में भाप को आकर्षित करते हैं। सिल्वर आयोडाइड के संपर्क में आते ही भाप ठंडी होकर बारिश की बूंदों में बदल जाती है। इसी के बाद बारिश शुरू हो जाती है। इसे और सिंप्लीफाई करें तो जैसे ठंडी पानी से भरे ग्लास या बॉटल की बाहरी सतह पर आसपास मौजूद नमी ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है, बिल्कुल वैसे ही ये टेक्नोलॉजी काम करती है। भारत, चीन, अमेरिका समेत दुनिया के 60 देश आर्टिफिशियल रेन कराने की टेक्नोलॉजी विकसित कर चुके हैं और चीन इस टेक्निक में महारत हासिल कर चुका है और कई बार इसका इस्तेमाल कर चुका है, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बीजिंग ओलंपिक का वाक्या बताया था। बस इसीलिए भारत में बादल फटने से आने वाली बाढ़ की साजिश के पीछे चीन का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।